चिल्ड्रन कैसे हैं। मैं फिर से आपकी वंदना मैम एक बार फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। हमने पिछली दो वीडियो बनाई थी जिसमें हमारे बच्चों ने पहले क्या सीखा था, शेप्स, सेकंड वीडियो में स्मॉल लेटर, और आज हम सीखेंगे स्वर। मुझे आप सब ने जो होमवर्क भेजी है बहुत अच्छी भेजी है। मुझे पता है सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो में भी मेरे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलो आज हम सीखते हैं स्वर। ओके, सबसे पहले बच्चों हम रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। जब तक हमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और कर्व लाइन की अच्छे से पहचान नहीं होगी, तब तक हम किसी भी अक्षर की बनावट पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर सकते। तो हम फिर से अपनी रिवीजन अगेन करेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्लांटिंग लाइन, उसके बाद कर्व लाइन। अक्षरों की बनावट चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, शुरुआत यहीं से होती है। जब तक बच्चे को ये नहीं आएंगी तब तक बच्चा परफेक्ट अपना वर्क नहीं कर सकता। आज हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में हम सबसे पहले सीखेंगे स्वर। स्वर में हम जब फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट, तो स्टार्ट हम एनआर से नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है एनआर करना। तो इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उ उल्लू से। पहले स्मॉल कर्व एंड अगेन कर्व एंड स्लीपिंग लाइन, क्या बन गया, उ उल्लू। इसमें हमने दो बार कर्व लिया है, एक बार कर्व उसके बाद दो बार कर्व, दोनों कर्व को मिलाकर हमारा उ उल्लू बन गया है। उसके बाद हम सीखेंगे अगेन कर्व, स्मॉल स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, क्या बन गया, ऊ से ऊन। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में अपने ऊ से रिलेटेड सभी वर्ड सीख लेंगे। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, अगेन ओ, ओ ओकली, ओ ओरत, आ से अंगूर, आ खाली। सबसे पहले हम जो भी अक्षर ऊ से बनते हैं उनको सीखेंगे। ये हमारा होता है फर्स्ट पार्ट। जब हम अच्छे से कर्व की बनावट करना सीख जाते हैं उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। उसके बाद हम सीखते हैं ए वर्ड। इसमें भी कर्व, स्मॉल कर्व, ए से एनक, ए से एडी, इस तरह से। सेकंड पार्ट में टू मैथ में बच्चों को लिखना आता है तो ये पार्ट बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बट जो ई से इमली होता है वो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर बच्चे जब ऊ से उल्लू बनाना सीख लेते हैं तो ये बहुत ही ईजिली सीख जाते हैं। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व एंड सेकंड कर्व एंड स्मॉल। जब तक बच्चे को ऊ की बनावट वाले अक्षर नहीं आएंगे तब तक बच्चा ई से इमली को नहीं सीख पाएगा। इसके बाद इन्हें सीखने के बाद बच्चा इनकी बनावट आसानी से सीख जाता है। यहाँ पर फिर बच्चे को दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर हमारा अ से अनार
भी उ की बनावट में आता है। अब देखिए आ से अनार, आ से आम, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ई से इमली, ई से ईख, ये सब बनावट हम अलग अलग हिस्सों में सीखेंगे। जैसे आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, देन री ऋषि जो हमारा सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है और बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हम री ऋषि का स्वर सबसे लास्ट में सिखाते हैं ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। स्लीपिंग लाइन एंड स्मॉल कर्व लाइन। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड्डी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अ से अंगूर, ए खाली, ये हमारे हैं स्वर के पार्ट, जिसे हम तीन हिस्सों में सीखते हैं। फर्स्ट पार्ट में सभी ऊ से उल्लू के पार्ट, फिर ए से एडी के पार्ट, एंड लास्ट पार्ट में हम री से ऋषि का होता है। इस तरह से सीख जाने के बाद फिर हम स्वर को उनके सही लगातार जिस तरह से हम उन्हें लिखते हैं लिखेंगे। जैसे आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ओ से उल्लू, ओ से ऊन, री से ऋषि। ए से एटी, ए से एनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, आ से अंगूर, देन खाली। इस तरह से हम स्वर के तीन पार्ट करके उनको आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी रिवीजन ही रखेंगे जो हर बार हम रखते हैं मैथ, इंग्लिश और हिंदी में। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व लाइन, देन फर्स्ट पार्ट ऊ से उल्लू वाला, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, और उसके बाद हमारे बन गए स्वर। उसके बाद हम सीखते हैं अक्षरों की पहचान। हिंदी स्वर में अक्षरों की पहचान मैंने कुछ ये पिक्चर्स बनाई हैं जिनसे हम मैच करेंगे। जैसे यहाँ लिखा आ से अनार, तो बताइए यहाँ अनार कहाँ है? ढूंढिए किड्स, ढूंढिए ढूंढिए, मिला? ये मिल गया। तो अब हम इसको अनार को इसके अनार से मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है ई से इमली, ई से इमली, तो ई से इमली को मैच कर दिया। ऊ से ऊन, देखिए ये आ गया ऊ से ऊन। आ से आम, ई से ईख, ये ईख हमने मैच की है, ई से ईख। आगे है री ऋषि, आप देखिए इसको री ऋषि यहाँ पर आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने ऋषि बनाया ही नहीं। इसमें दो स्वर ऐसे हैं जो मैंने नहीं बनाए हैं और उनको आपको सर्कल लगाना है ताकि आपको उनकी पहचान हो सके। ए से ऐनक, ओ से औरत, अ से, इस पर भी सर्कल लगाना है, इसकी भी हमने पहचान नहीं बनाई है। ओ से ओखली, ए से एडी,
अब देखिए क्या मैंने ये सही बनाया है, सोचिए, मैडम से भी गलती होती है। मैंने इसमें जानबूझकर एक गलती की है ताकि बच्चे उस गलती को सीखे। ढूंढो ढूंढो, नहीं मिली, मैं बताती हूँ। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली और ई से ईख, ए से ऐनक, ओ से औरत। क्या ओ से औरत होता है? नहीं होता ना, ओ से ओखली होता है। तो मैम ने कहाँ गलती करी है? यहाँ पे, ओ से ओखली और ओ से औरत। ओके, ये गलतियाँ मैंने जानबूझ के की हैं ताकि मेरे बच्चे सारा परफेक्ट देख के मुझे ही कॉपी ना करें। जब मुझे वर्क सेंड करें तो उनमें भी कुछ मिस्टेक हो, क्योंकि जब तक हम गलती करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। ओके, तो ऐसे ही गलतियाँ करते करते हम सीख जाएंगे। ये आपका छोटा सा टेस्ट था। आगे है सही अक्षर पर गोला लगाना। आपको यहाँ पर पहचान करनी है। आ से अनार। अब देखिए मैंने ऊ से उल्लू बनाया है, ओखली, आ से अनार, औरत। अब फर्स्ट वर्ड पहला अक्षर लिखा है हमने आ से अनार, तो जो आ से अनार होगा उस पर हम सर्कल लगाएंगे, इससे हमें आ की पहचान हो जाएगी। इसी तरह हम ई से इमली पर सर्कल लगाएंगे, फिर ऊ से ऊन पर, ऊ से ऊन पर नहीं, ऊ से उल्लू पर, और ये ऊ से ऊन पर, ए से एटी पर। तो आज हमने क्या क्या सीखा है? सबसे पहले हमारी रिवीजन, फर्स्ट पार्ट स्वर का, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिर हमने लगातार स्वर मैच, जिसमें से कुछ मिस्टेक भी हुई है हमारे बच्चों को पजल करने के लिए, पर मेरे बच्चे तो पजल हुए ही नहीं क्योंकि मेरे बच्चों को सब कुछ आता है, और सही अक्षर भी पहचान करना। तो बच्चे अच्छे से घर बैठकर इसको अच्छे से करो और मुझे होमवर्क कर करके हर बार की तरह सेंड करो। ओके, थैंक यू।